आमंत्रित करना चाहता हूं इस मंच पर, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए सोहेल खान। कदर हम अपने गुनाहों को धो लेते हैं, कुछ इस कदर हम अपने गुनाहों को धो लेते हैं, उठकर तहज्जुद में खुदा के सामने रो लेते हैं। तू हिंदू तू मुस्लिम तू सिख ईसाई में बाढ़ रहे हैं लोग हमें, मैं सबको हिंदुस्तानी लिखकर एक माला में भिगो लेता हूँ। आदरणीय सुरेश भाई साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें एक मंच प्रदान किया। मेरी अगली पंक्ति आपने हीरो देश के हीरो को समर्पित है। आप सभी का साथ चाहूंगा कि जिनके दम पर सोते हैं हम चैन से, सीमाओं के रक्षक हर जवान को सलाम है। जिनके दम पर सोते हैं हम चैन से, सीमाओं के रक्षक हर जवान को सलाम है। बिन धूप देखे सर्दी देखे उगाता है धान जो, खेतों में खड़े हर किसान को सलाम है। और काने काने में है शामिल देश प्रेमियों का लहू, मेरा ऐसे वतन हिंद को सलाम है। और हंसते हंसते फांसी वाले तख्तों पर झूल गए जो, ऐसे महापुरुष भगत सिंह को सलाम है। लोग अक्सर मुझसे कहते हैं कि सोहेल भाई आप इश्क मोहब्बत प्यार पर क्यों नहीं लिखते। मैं ऐसा इसलिए नहीं लिखता साहब क्योंकि आजकल का इश्क कैसा है मैं आपको बताता हूँ कि सुरेश मुकेश की चाहत थी वो, सुरेश मुकेश की चाहत थी वो, मुरारी ने उससे प्यार का इजहार किया था। सुरेश मुकेश पीछा करते तो मुरारी ने एग्जाम में साथ दिया था, तीनों में उसे पाने की अब होड़ मची थी और बीच में वो कन्याकुमारी फंसी थी। फिर तीनों की मोहब्बत एक दिन बली के भेंट हो गई और वो चोरी फेसबुक पर जोते के साथ सेट हो गई। आज वर्तमान में जो किसानों की हालत है तो उन पर उस पर मैंने कुछ कविता कुछ पंक्तियां लिखी किसानों के हालात पर कि जय जवान जय किसान पढ़ाता हमने कभी, कि जय जवान जय किसान पढ़ाता हमने कभी, पर होगा एक दिन ये हाल सोचा ना हमने कभी। कि जय जवान जय किसान पढ़ाता हमने कभी, पर होगा एक दिन ये हाल सोचा ना हमने कभी। जो खून पसीना एक कर देश के लिए धान उगाता है, पर अफसोस आज उसी की समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। अब आवाज उठी है तो सुननी पड़ेगी, क्योंकि आवाज ना हिंदू ना मुसलमान की है, ये आवाज तो भूमि पुत्र किसान की है। एक किसान के मन में क्या है कि अंदाता अंदाता करके तुमने नाता तोड़ दिया, कि अंदाता अंदाता करके तुमने नाता तोड़ दिया, खेतों से उठाकर सड़कों पर लाकर छोड़ दिया। मैं ठगा गया हूँ अक्सर दफ्तर में बैठे दलालों से, कभी बिजली वाले तो कभी पानी वालों से। क्यों इतनी मेहनत पर भी मुझको आराम नहीं मिलता, क्यों मेरी फसलों का अच्छा दाम नहीं मिलता। और मायूस बैठा है डिग्री लेकर अपने ही घर में, क्यों मेरे बच्चों को अच्छा काम नहीं मिलता। जब लोग कहते हैं कि आप इस मोहब्बत पर क्यों नहीं लिखते, तब मुझे नीरज जी कहीं लिखते हैं कि छोड़ दू सारी दुनिया किसे के लिए, ये मुनासिब नहीं है आदमी के लिए, और प्यार से बढ़कर भी बहुत काम है जिंदगी में, प्यार ही सब कुछ नहीं जिंदगानी के लिए। तब उनकी पंक्तियों को सोचते हुए मैंने कुछ लिखा, क्योंकि गाँव का छोराऊं सीधी बात कहूंगा, हेलो हाय नहीं सीधा सलाम कहूंगा। गांव का छोराऊं सीधी बात कहूंगा, हेलो हाय नहीं सीधा सलाम कहूंगा। और कुछ आशिकों को प्यार में चेहरे चांद नजर आते हैं, मैं आज चांद वाले चेहरों की औकात कहूंगा। तब पंक्ति लिखी कि नहीं करना वो इश्क जो दूर दोस्तों से करा दे, नहीं करना वो इश्क जो दूर दोस्तों से करा दे, घर से मिली जिम्मेदारी से ध्यान हटा दे। नहीं करना वो इश्क जो दूर दोस्तों से करा दे, घर से मिली जिम्मेदारी से ध्यान हटा दे। नहीं करना वो इश्क जो अपनों को रुला दे, बचपन में देखे ख्वाब को एक पल में भुला दे। और सुना है इश्क के जख्म बड़े गहरे होते हैं, और सुना है इश्क के जख्म बड़े गहरे होते हैं, तो मैं अपने ही हाथों अपने ये जख्म क्यों करूं, तुम ही बता दो यारों में प्यार क्यों करूं। नहीं करना वो इश्क जो दूर दोस्तों से करा दे, घर से मिली जिम्मेदारी से ध्यान हटा दे। नहीं करना वो इश्क जो अपनों को रुला दे, बचपन में देखे ख्वाब को एक पल में भुला दे। इश्क वो जो बाप के विश्वास को एक पल में तोड़ दे, माँ की लगाई आंस का जो रुख ही मोड़ दे। इश्क वो जो बेवजह भाई का साथ छोड़ दे, बहन के प्यार का हाथ छोड़ दे, तो मैं इश्क करके अपने रिश्तों पे वार क्यों करूं, तुम ही बता दो यारों में प्यार क्यों करूं। तो इश्क करके अपने रिश्तों पे वार क्यों करूं, तुम ही बता दो यारों में प्यार क्यों करूं। इश्क में मारे लोग पागल से हो जाते, अक्सर क्या होता है, अक्सर जब धोखा हो जाता है किसी के साथ या इश्क में कभी
कुछ हो जाता है तो क्या होता है कि इश्क में मारे लोग पागल से हो जाते, जहां बैठे वहीं यादों में खो जाते। इश्क में मारे लोग कमाना छोड़ देते हैं, ना मिले महबूब तो जमाना छोड़ देते हैं। तो ना आशिकों को ना अपने मिलते हैं, ना मिल पाता है सनम, बस अंत में मिलता है तो मिलता है कफन। तो मैं इश्क करके दर्द भरी मौत क्यों मरूं, तुम ही बता दो यारों में प्यार क्यों करूं। मानता हूं इश्क के हर रूप होते हैं सच्चे, मानता हूँ इश्क के हर रूप होते हैं सच्चे, पर दिल के रास्ते होते बड़े कच्चे। जो हम सफर होते हैं वो जब छूट जाते हैं, सालों से चले आए रिश्ते जब टूट जाते हैं, तब बिन हम सफर के जीना बेकार लगता है, जो अब तक था बाबू सोना गद्दार लगता है। तब बिन हम सफर के जीना बेकार लगता है, जो अब तक था बाबू सोना अब गद्दार लगता है। तो मैं जिसे चाहता था उसी से बैर क्यों करूं, तुम ही बता दो यारों में प्रेम क्यों करूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में दो पंक्तियां कहकर अपना स्थान ग्रहण करूंगा कि पढ़ नमाज कर मोहब्बत सबसे, पढ़ नमाज कर मोहब्बत सबसे, जब तक है जमीन पर, वरना एक दिन बहुत पछताएगा, जब जमीन होगी तेरे ऊपर, जब जमीन होगी तेरे ऊपर।